गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडकार जी। आज का टॉपिक है भक्ति में ही सारे सुख हैं। गुरु प्यारी सत्संग जी, संत महात्मा अपने अनुभव से ये बात बताते हैं कि भक्ति में ही सारे सुख हैं। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जय रही पाई बिनु पाई। प्रभु से विमुख होने के बाद दुनिया में सुख चैन शांति सुकून है ही नहीं। जब भी जीवन में सुख आता है वो भक्ति से ही आता है। जो भक्ति करता है वो सदा सुखी रहता है। और आज हम संसार को देखें, संसार की क्या हालत है। कहानी घर घर की है कि जो भगवान को भूल गया वो हमेशा दुखी रहता है, उसके चेहरे पर मायूसी उदासी छाई रहती है। बंदा हताश रहता है, निराश रहता है, उदास रहता है। तो इसीलिए भक्त संत महात्मा समझाते हैं कि भक्ति कर लो, भगवान को जान लो। जब भगवान को जान लोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो जीवन में सारे सुख अपने आप आ जाएंगे। संसार में बहुत प्रयास करने पर जो चीज मिलती है, सतगुरु की सेवा करने से वही चीज आसानी से मिल जाती है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारे भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। भक्ति में शक्ति अपार। भक्त और भगवान का जो नाता है वो ओतप्रोत का नाता है। भक्त हमेशा भगवान में मगन होते हैं। भक्तों का जो ध्यान है केवल और केवल परमपिता परमात्मा में ही होता है। जीवन में कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कितने बड़े संकट आए, प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन तब भी भक्त भगवान के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। माया का तूफान कितना भी प्रबल हो, लेकिन अगर हमारे दिल में भक्ति की ज्योत जगी है, हमारे दिल में भक्ति का जुनून है, भक्ति का तूफान है, तो फिर माया का तूफान भी कुछ नहीं कर पाता है। और भक्त महात्मा गीत भी गाते हैं कि भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। तो भगवान से प्रार्थना अरदास हमेशा की जाती है कि हे प्रभु, हमारा विश्वास अटूट हो, हमारा विश्वास मजबूत हो, हम कभी डामाडोल ना हो पाए, कभी डामाडोल ना हो जाएं। अटूट विश्वास, अटल विश्वास कि तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी, कि तू पूरा है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हो गए, अब आप ले चलो जहां आपको ले जाना है। टोटल सरेंडर, भक्ति में टोटल आत्मसमर्पण होता है। टोटल एंड टोटल भगवान के हवाले, संपूर्ण समर्पण कि प्रभु अब आपकी मर्जी, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। क्योंकि अगर हम अपनी मन मर्जी लगाएंगे, मन कहने पर चलेंगे, तो हमें दुख मिलने वाला है। सुख है परमात्मा की रजा में जीना। अगर हम प्रभु की रजा में जीते हैं, परमात्मा की मर्जी से जीवन जीना शुरू करते हैं, तो दुख भी सुख बन जाता है। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो हर कार्य होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है, जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है,
कहे अवतार ज्ञान के बिना हम मालिक की याद ना आता है। कि जब ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं तो हमेशा हर पल इस निराकार को, इस मालिक खालिक को याद करते हैं। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करूं, तन मन धन सब तेरी माया अर्पण सारी रास करूं। तू ही मात पिता है सबका, बच्चे बाले तेरे हैं, तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं। अंत न तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है, तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा है, अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है, अवतार दास तेरे दासों का चढ़ो पर बलिहारी है। इस मालिक खालिक के हवाले हो जाना जैसे पत्ता हवा के हवाले हो जाता है, तो पत्ते की मर्जी नहीं चलती, मर्जी हवा की है कि पत्ते को कहां पर लेके जाए। तो जब भक्त अपने आप को भगवान के हवाले छोड़ देते हैं तो भगवान की मर्जी, फिर भगवान वही करेंगे जिसमें भक्त का भला होता है। क्योंकि भगवान हर पल भक्तों का रखवाला है, जिसके ऊपर हाथ या रखे जो चाहे करवा सकता, एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता। हाथ गुरु का जिसके सर पर वह दुनिया से डरता नहीं, इसके सेवक का जो सेवक कभी मौत से मरता नहीं। जब तक भी आप न चाहे मारे जग की हिम्मत ना, जीना मरना हाथ इसी के और किसी की ताकत ना। बेमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया, अवतार कहे वह मरे ना जन्मे जिसने नाम चितार लिया। इस नाम निरंकार को जेहन में डाल दिया, दिल दिमाग में केवल और केवल राम, रोम रोम में राम, हर सांस में राम। भक्त के जीवन में राम के सिवा कुछ होता ही नहीं है, और राम के बिना जीवन में कभी आराम मिलता ही नहीं है। माया प्रबल है, माया भरमाती है, लेकिन जो राम को चित्त में धारण कर लेते हैं तो माया उनका कुछ नहीं कर पाती है। ये माया भक्तों की दासी है, लेकिन जो माया के पीछे भागता है माया उसको खा लेती है। माया अपने सेवक को अपने आप मिटा देती, यथा सर्पनी जन कर बच्चे खुद ही उनको खा लेती। सक्कन पे या माया रानी, किसी को शक्ति नहीं बचा, अपने बच्चे जीव मदरिया पांव के नीचे ले दबा। पर भक्तों से माया रानी हर पल रहती डरती है, कहे अवतार गुरु भक्तों का हर पल पानी भरती है। जिनका ध्यान भक्ति में है, जिनकी लगन गुरु नाम में लग गई है, जो गुरु नाम में डूब गए हैं, तो उतर जाते हैं। भक्ति भव सागर से पार उतार देती है, भक्ति भव से पार कर देती है, भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन भक्ति कौन करता है? जिसके मन में पूरा विश्वास होता है। बिन विश्वास भगत नहीं, ते इंद्र भाई नाम, राम कृपा बिन जीव को सपने नहीं विश्राम। कि राम जी प्रभु जी पर पूरा विश्वास हो कि प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे, मेरे भले के लिए करेंगे, यही पूरा विश्वास भक्तों के मन में होता है। और भक्त सदैव भक्ति करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि भक्तों को ये बात पता चल जाती है कि भक्ति में ही सारे सुख हैं। संसार में तो केवल दुख ही दुख है, संसार का नाम ही है दुख। अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। कि सिमरन नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, अगर हम सेवा सत्संग सिमरन नहीं कर रहे हैं तो दुखी रहेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो, राम की शरण में आ जाओ, सदगुरु की शरण में आ जाओ, निरंतर संतों का संग करो, सत्संग सेवा सिमरन करते रहो। अगर ये तीन कर्म हो रहे हैं, हम सत्संग सेवा सिमरन सच्चे मन से कर रहे, लगन से कर रहे हैं, गुरु की बात को मान रहे हैं, तो जीवन में अपने आप सुख आएगा। जो गुरु की बात मान लेते हैं उनके जीवन में रहमतों की बारिश होती है। तो जो गुरु बोले जैसा आदेश उपदेश आता है, हम सत्वचनी बने और उन वचनों पर चलें, जैसा हम बोले वैसा करें,
तो जो जैसा बोलता है वैसा करता है, गुरुमत पे चलता है, गुरु की बात मानता है, तो उसके जीवन में अपने आप सारे सुख आ जाते हैं। भक्ति में ही सारे सुख हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।